गुड मॉर्निंग गाइस, 23 आवर्स के शूट के बाद हम हो गए फ्री। तो प्रेरणा ने ऑलमोस्ट 200 टेक्स लिए एक सीन के लिए। प्रेरणा बताएगी वो कौन सा सीन था? नहीं। इसमें प्रेरणा को बताया बस क्या करना था, एंट्री करनी थी, सबको हाय हेलो करना था, नमस्ते करनी थी। तो प्रेरणा ये सीन अभी करके दिखाएगी हमें। हेलो, हाय, नमस्ते। और अब क्या सीन, हमें कहाँ लेके जा रही है? तो गाइस, इट्स टाइम कि अब हम यहाँ से चल रहे हैं बबन वैली। अबे साले, ये का बवासीर बना दी। बबन वैली, और आज मैंने पहनी है स्कर्ट एंड टॉप विद स्पेक्स। बिल्कुल नैना वाला लुक लिया है, बट ये जान के नहीं लिया, मेरी आंखें खराब हो गई है। इतनी शूट कराई इसने मुझसे, एक ही सीन इतनी बार कराया। लेट्स गो यार, लेट हो गए, 3 दिन से यहीं पड़े हैं यार। चलो 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 चलते हैं यार, अब बहुत हो। ओके, बाय बाय चंडीगढ़। एंड अभी मैं अपनी वीडियो का थंबनेल बना रही हूँ, लेट्स सी कितनी देर में पोस्ट कर पाते हैं। यार उससे पहले भूख लग रही है, कुछ खाना तो खिला दे। तो गाइज, हबन वैली जा रहे हैं, बबन बुबन कुछ नहीं है। हबन वैली यहाँ से 4 आवर्स के डिस्टेंस, और हमें निकलते निकलते 12:30 बज गए हैं। एज ऑलवेज 6:30 बजे सोच रहे थे निकलेंगे, 6 घंटे बाद निकले। देखते हैं 4 घंटे में पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। खाने के लिए ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, हम ट्रैफिक से तो बहुत दूर ही जा रहे हैं, शिमला मनाली इसीलिए नहीं जा रहे कि भाई ट्रैफिक में नहीं फंसना, और बहुत लोग हैं। जहां लोग नहीं है हम वहां जा रहे हैं। लेट्स सी, अगर लोग हुए तो हम वहां से भी निकल जाएंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। तो छोले कुलचे खाने लगे अब हम, क्योंकि हमें और कोई जगह से समझ आ नहीं रही थी जाने के लिए। दिल्ली वाले छोले कुलचे ने खाए तो क्या होगा। पहला स्टॉप ले लिया हमने, छोले कुलचे खाने लगे, बहुत भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो यार गाड़ी चलते। इसका फोन बजना शुरू हो जाता, मैं तो इरिटेट हो चुकी हूँ इसके फोन से। हॉलीडे पे कौन अपने फोन अटेंड करता है। हाँ भाई, कैसे लगे? एकदम यम्मी, फर्स्ट क्लास। खा जा फिर, सारे खा जा। हर्ष बताओ क्या करके आए हो? ब्लंडर हो गया आज बहुत बड़ा। ध्यान से देखो इस शक्ल को, इस शक्ल ने हमेशा दावा किया है कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर है, और आज इसने क्या किया है। होटल से 2 घंटे दूर आ चुके हैं हम, अब आपको बताएगा इसने क्या किया है। बताओ मेरे को, जिंदगी भर सुनाता आया है कि तुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, मुझे बताया नहीं, और लॉकर में 22,000 रूपए रख के आया है और वहीं छोड़ा है होटल में। हुआ यूं कि पैसे संभालने की बहुत ज्यादा मेरे को वो थी, तो मैंने पैसे रख दिए लॉकर में, और लॉकर चेक नहीं किया और बाहर आ गए। अब क्या होगा, अब तू ही बता क्या होगा, मुझे क्या पता, चले वापस। अब एक दोस्त रहता है जीरकपुर के पास, उसको फोन किया है, वो जाएगा होटल, लॉकर खोलेगा, पैसे निकालेगा। ये इतने समझदार ट्रैवलर, आज के बाद मैं इसको जिंदगी भर इस चीज पे ताने देने वाली हूँ। यस, मुझे पॉइंट मिल गया, मैं फंस गया। तूने कैसे किया था? पैसे मिल जाए, पॉइंट की बात अलग है। ये अच्छा। हाँ यार, पैसे मिल जाए बस, ये बहुत जरूरी है पैसे। यार तूने ऐसा क्यों किया, मैं शॉपिंग कर लेती उन पैसों की। यार चलो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से अपनी जर्नी। अब पूरे टाइम टेंशन में रहेगा जब तक पैसे इसके दोस्त के हाथ में नहीं आ जाते। तो गाइस पहला स्टॉप ले लिया है ये सरन कहीं, हम कोई हिमालयन कैफे है यहाँ पे आए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक जगह है, हट्स बनी हुई है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी प्यारी। मौसम बहुत अच्छा हो गया पहले से, मौसम ने रुख बदल लिया, और हर्ष चला गया कैफे के अंदर, बहुत ज़्यादा सैड है, आपको लेके चलती हूँ अंदर। उसके फ्रेंड ने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, फाइनली हमारा पैसा, हमारा कैश हमारे पास वापस आ गया, बट हर्ष बहुत डिसअपॉइंटेड है। आपको दिखाती हूँ कहाँ बैठा है। बारिश शुरू हो गई, ओह डैम बारिश शुरू हो गई, एंड ये देखो क्या हुआ, अब इतना सैड भी क्यों हो रहा है यार। इतना बड़ा ब्लंडर किया मैंने, पता है बारिश आ गई तेरे ब्लंडर की वजह से। भैया 2 चाय बना दो, और स्पेशलिटी क्या है, मोमोज खिला दो फिर। यार कितना क्यूट है ना हार्ट पूरा, ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे, इसलिए मेडिटेशन। यार अब तो मेरे को पूरे टाइम यही सुनाती रहेगी क्या? नहीं नहीं, मैं खाने का वेट कर रही हूँ, चाय आएगी। मैं अच्छा बच्चा हूँ पता है। तो गाइस माहौल ये है कि बाहर बारिश हो रही है, आप सुन सकते हो, हम अकेले हैं यहाँ पे, एकदम ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, कोई बंदा नहीं होने वाला, कोई भी नहीं होने वाला, इट्स गोना बी सो मच फन। बस मुझे लग रहा है हम पहुँच जाए सही से, इतनी बारिश हो रही है। मैंने सुना है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के बीच से हमें जाना है, भूत ना आ जाए। आ गए हमारे मोमोज, चाय और नींबू लेमन सोडा। थैंक यू भैया। बेटा मुझे एक डर लग रहा है। क्या यार, हमारी गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है पता है। कोई बात नहीं, पर पैसे तो मिल गए ना जो हम तेरी वजह से भूल गए थे। यार बस कर यार, मैं बार बार भूलना चाह रहा हूँ, तू वो याद दिलाई जा रही।
तो गाइस पहला साइन आ चुका है, हम जा रहे हैं हिमालय निको रिजॉर्ट और ये रहा साइन। चलो अच्छी बात है, पहला साइन तो दिखा। क्या हालात है यार? मैप में तो 8 किलोमीटर दिखा रहा है, वहाँ 13 किलोमीटर लिखा है। टायर्ड है या नहीं ये बता। 4 किलोमीटर वॉक करेंगे हम। अरे भाई हाथ जुड़वा लो। अब हम यहाँ से गाड़ी चेंज कर रहे हैं बिकॉज हमारी ये गाड़ी नहीं जाएगी ऊपर, मतलब चली जाएगी बट बहुत ज्यादा टूटा हुआ रास्ता है। अश्विनी जी हमें लेके जा रहे हैं ऑल द वे टू आवर रिजॉर्ट। फाइनली हर्ष फ्री हुआ, गाड़ी नहीं चलानी पड़ रही। अच्छा हुआ गाड़ी खड़ी कर दी। पहुंचना डिफिकल्ट होता है बट कितना साइलेंस है ना, कितना बढ़िया है। यार चारों तरफ मास्क भी उतार सकते हैं यहाँ पे। हाँ इट्स सो सेफ। लोग ही नहीं बहुत गए यार, पर बहुत ज्यादा टायर्ड है। पैदल जाना है अब हमें यहाँ से उस वे से। आगे गाड़ी नहीं जा सकती बिकॉज आगे एक नाला बह रहा है, सो हम यहाँ से पैदल जाएंगे। ये देखिए ये दिल्ली की लड़की हील्स पहन के ट्रैकिंग कर रहे। तो जूते क्यों नहीं पहने तूने? अब बोलेगा इतनी तेज चलेगा। अरे कहाँ रोक ले उनको भाई, गिर जाएगी। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी गाड़ी, फिर दूसरे की गाड़ी, फिर पैदल, और अब नदी भी क्रॉस करनी पड़ेगी। ये कहाँ ले आई प्रेरणा तू? यार नदी कितनी ऑसम लग रही है। यार क्या इसमें क्या एडवेंचर करा रही है यार। कॉटेजेस हैं और वहाँ पे फैमिली रूम्स हैं और ये डोम्स हैं यहाँ की स्पेशलिटी। पूरे 8 घंटे की जद्दोजहद के बाद मैं और हर्ष पहुँच गए हिमालय निको रिजॉर्ट, बट मुझे इससे एक ही प्रॉब्लम है। इतनी मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे, इतनी ऑफबीट डेस्टिनेशन, गाड़ियाँ रेंट करी, इधर उधर से अपनी गाड़ी कहीं छोड़ी, ब्रिज क्रॉस करे, तूने मुझे उस डोम में नहीं रहने दिया। वो इतना ब्यूटीफुल सा डोम, व्हाइट कलर का, ऐसे लोटस जैसा, लोटस। तू कहता था वो आज रात तो हमें रुकने देते, और वो कह भी रहे थे, उन्होंने मुझे रूम दिखाए, कहते आज रात रुक जाओ। तूने मुझे नहीं रुकने दिया, इतना अच्छा ब्यूटीफुल लोटस शेप डोम था। नहीं मुझे नहीं, अब मैं यहीं पे रहूंगी, मैं थक चुकी हूँ, मेरे कपड़े वपड़े यहीं चेंज कर लिए। देखो खाना आ गया यार, भिंडी क्या बात है, येल्लो दाल, ओहो मटर पनीर और गरम गरम चपाती। यार पहाड़ों का ना यही फायदा है, खाने का ना अलग ही लेवल होता है और सब चीज ऑर्गेनिक है। मजा आ गया, 10/10 रोटी एकदम पतली और एकदम फूली हुई। प्रेरणा तू ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती यार? तो गाइज आज का दिन यहीं खत्म होता है। डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब वॉन्डरर्स लाइफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेरणा सो गई।